ओके स्टार्ट करते हैं पॉलिसी, और पॉलिसी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो आर्टिकल 21-22 से रिलेटेड जो थोड़े टर्मिनोलॉजीज थे, जैसे अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी क्या होती है, इंटरोगेशन क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होती है, कहाँ पर सुराई होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ओके सो जब हम लोग आर्टिकल 22 डिस्कस कर रहे थे तो थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा, और उसमें हमने देखा था क्या आर्टिकल 22 वॉइस जा रही है क्या? हाँ, तो आर्टिकल 22 में हमने देखा था क्या कहता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। इसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक तो ऐसा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट में हम लोगों ने दो बातें देखी थी। क्या देखा था कि अपराध या जो क्राइम होता है, क्राइम दो तरीके का होता है, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। मतलब एक घिनौना अपराध और एक घिनौना अपराध नहीं, ठीक है, नॉर्मल। तो इसमें हमने देखा था कि अगर भाई तुमने क्राइम कर दिया है तब तुम्हें पुलिस अरेस्ट करती है, उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव अरेस्ट या प्यूनिटिव डिटेंशन, है ना, प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि क्राइम करने के बाद, और अगर क्राइम करने से पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने काफी कुछ हद तक पढ़ा था कि हमने देखा था कि अगर भाई जो है इसको हम लोग बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहते थे, काला कानून रॉलेट एक्ट से इसका कंपेरिजन किया गया था, है ना। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जाता है कि जैसे कोई बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा हो और उस प्रोटेस्ट के जरिए देश में दंगे फसाद हो सकते हैं, तो उसे टालने के लिए जो लीडर्स होते हैं उन्हें पहले ही क्या कर लिया जाता है, आर्टिकल 22 के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसे भी हम लोग क्या कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ताकि बड़ा क्राइम होने से बचाया जा सके, ठीक है। अब इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग समय पर अलग अलग नियम कानून बन के आए इससे रिलेटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। पहले मैं शॉर्टकट में सब बताता हूँ, उसके बाद एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। जैसे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, यह आया था PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये 1950 के आसपास में आया हुआ था। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बाद एक आया कानून ASPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, स्पेशल पावर एक्ट, ये भी एक इससे रिलेटेड है, इसके बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ लागू हुआ इसके बारे में बताऊंगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आया था UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। फिर आया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर आया था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर आया था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, टाडा क्या था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट। और उसके बाद आया था कोटा, क्या था, कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो दिखाई दे रहा है ये प्रिवेंशन से रिलेटेड ही इतने सारे नियम कानून आए हुए थे,
और इनमें से बहुतों का मिसयूज भी होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे इसमें से जो है वो खत्म कर दिए गए और कुछ ही हैं जो आज के समय में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये मोटा मोटा तौर पर क्लियर हुआ दिमाग में जो प्रिवेंशन से रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन कौन से है, PDA, AFSA जिसको अब ASPA कहते हैं हम लोग, ASPA, उसके बाद UAPA, MISA, NASA मतलब NSA, फिर TADA, COTA। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक को स्टेप। जैसे पहला अगर मैं कहूँ PDA, PDA का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी कोई अपराध होने से पहले ही लोगों को अरेस्ट कर लेना, वो किस एक्ट के तहत अरेस्ट करेंगे, PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इसे लागू किया गया था 1950 में और ये चला था 1969 यानी हम कह सकते हैं कि 1969 में इसे क्या कर दिया गया था, टर्मिनेट। ठीक है, 1969 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया था। तो क्या PDA अभी कंटिन्यूएशन में है, नहीं, PDA 1950 में लागू हुआ और 69 में टर्मिनेट हो गया, 1950 में लागू हुआ और 69 में टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, क्लियर हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आएगा हमारा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्या कहते हैं इसको, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उसके बारे में, ये आर्मी को सबसे पावरफुल बनाता था, आर्मी को सबसे पावरफुल बनाता था। इसको लागू किया गया 1958 में। ये कहाँ कहाँ लागू किया जाता था, तो जो कश्मीर का एरिया था, ठीक है, कश्मीर हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन था वहां पर लागू किया जाता था। अब इसमें जो है समझो, इसमें जो एरिया में ASPA लागू हो गया, क्या ASPA, AFSEA, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जहां पर लागू हो गया वहां पर आर्मी वाले कहीं पर भी किसी के भी घर में रात के 2 बजे भी जाकर के क्या कर सकते थे, जांच कर सकते थे। ठीक है, जांच कर सकते थे, किसी के भी घर में रात के 2 बजे जाकर के जांच कर सकते थे। ये क्यों होता था जम्मू कश्मीर वाले रीजन और नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां पर आतंकवादी घटनाएं बहुत अधिक होती थी, आतंकवादी आते थे, आर्मी वाले जो आर्मी पर्सनल होते थे उनको मार करके वहां के लोगों के घरों में छुप जाते थे। तो जैसे ही आर्मी को पता चलता था कि हाँ ये किसी के घर में छुपे हुए हैं, तो चाहे रात के 2 बज रहे हों, 1 बज रहे हों या दिन का 12 बज रहा हो, आर्मी कभी भी घर में घुस जाती थी और हर एक चीज को, हर एक इंसान को उठा उठा करके क्या करती थी, चेक करती थी। महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाता था, तो इसी सिचुएशन में बहुत सारे जो आर्मी वाले थे, मतलब देखो आर्मी में सब रहते, लेकिन हर इंसान नेक नियत का रहे ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसे पुलिस आर्मी में रहने वाले सब अच्छे दिल के होते हैं तो ना देश में करप्शन होता और ना ही देश में लोगों की जान जाती, समझ आ रहा है, ना ही देश में कोई क्राइम होता। तो ऐसे ही कुछ पुलिस आर्मी वाले थे जिन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ घर थे या जम्मू कश्मीर के कुछ घर थे वहां पर रेप की घटनाएं देखने को मिली, जिसकी वजह से इसका ASPA का क्या होने लगा, विरोध होने लगा, ASPA का विरोध होने लगा। फिर बाद में धीरे 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 जो आर्मी थी, आर्मी ने रियलाइज किया, देखा इस बात को कि अच्छा कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब किया, उनको पकड़ करके आर्मी का अपना कोर्ट होता है, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई ताकि कोई दोबारा इस चीज को कर ना सके। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आज भी आतंकवादी घटनाएं होती है, इंसर्जेंसी होती रहती है, इसके लिए वहां पर नॉर्मल पुलिस न रख करके वहां पर ASPA को लगाया जाता है, जहां पर आर्मी को क्या दिया जाता है, स्पेशल पावर दिया जाता है, समझ में आ रहा है, स्पेशल पावर दिया जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज एनालाइज कर रहा था, तो उसमें पता चला कि गृह मंत्रालय और जो आसाम के मिनिस्टर हैं
और नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग टेरिटरी की मांग करने वाले हैं ट्राइबल ग्रुप के, उन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ कि ठीक है हम लोग मिल करके क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे और डेमोक्रेटिकली क्या करेंगे इलेक्शन करवाएंगे। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अब नॉर्थ ईस्ट से असफा को हटा दिया जाएगा, मतलब तो वो जो मिलिट्री को स्पेशल पावर दिया गया है उसे वहां से हटा दिया जाएगा। इतना चीज क्लियर है। ये असफा आज भी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। असफा क्या था समझ में आया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। इसमें किसको ज्यादा पावर मिलता है, आर्मी को, ठीक है, आर्मी को ज्यादा पावर मिलता है। क्लियर, आगे बढ़े। अब इसके बाद आता है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। UAPA, UAPA का क्या मतलब है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन। अब देखो ये जो UAPA था, UAPA इसको कब लागू किया गया था, तो 1967 में इसको लाया गया था। अब इसमें कोई भी इंसान होता है जो नियम के अनुसार जो चीजें दी गई है उसे न करके कुछ उलट सुलट ही करने लगा, जैसे कि कोई है गांजा की तस्करी कर रहा है, या कोई है हथियारों को बना रहा है, या कोई है बम बारूद बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि नियम के अनुसार कोई काम कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, जो हमारे लॉज में इसको ये बाध्य किया गया है कि भाई ये काम नहीं कर सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उस इंसान को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और याद रखना ये जितने भी नियम है ना तो बहुत ही कड़े थे, मतलब इसमें अगर एक बार इनके तहत इंसान अंदर चला जाता है ना तो उसका बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसका बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो UAPA का मतलब समझना, अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। UAPA का भी बहुत ज्यादा जो है कि मिस यूज होता था, काफी मोस्टली अगर हम देखें तो यूपी के बहुत सारे जो पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है, यूपी पुलिस वाले, वो लोग क्या कर लेते हैं कि किसी को भी मन करता है, कोई चाहे अगर मुस्लिम है मान लो और वो कुछ गलत काम नहीं भी कर रहा होता ना, तो शक के बिना पर भी उसको क्या कर लेते हैं, अंदर पकड़ लेते हैं, अंदर डाल लेते हैं। ऐसे ही एक थे यूपी में मुजफ्फराबाद में, तो जो एरिया प्रॉपरली याद नहीं, गोरखपुर में शासन, गोरखपुर, वहां पर डॉक्टर कपिल थे, डॉक्टर कपिल, और वहां के इंचार्ज थे। तो उन्होंने जब कोरोना वाला टाइम पीरियड चल रहा था, वो भी उस टाइम पर, उस टाइम की बात है कि वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की ना कमी हो गई, तो उन्होंने अपने पैसे से क्या करवाया था, ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर खरीद करके लोगों मरीजों की जान बचाई। लेकिन कुछ अब कितना उनके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही इस्तेमाल करेंगे ना, कि सरकारी फंड थोड़ी है कि पूरे जितने मरीज आते जाएंगे और उन सबको सिलेंडर देते जाएंगे, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से लोग योगी को, योगी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। योगी जब आते हैं वहां पे हॉस्पिटल में तो सारे लोग ब्लेम डाल देते हैं किसके ऊपर, ये डॉक्टर कपिल के ऊपर, कि इन्हीं की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो जाती है, लोगों की मौत हुई है। तो इन्हें UAPA के अंदर क्या कर लिया जाता है, इन्हें UAPA के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके इन्हें लगभग 8 महीने तक जेल में रखा जाता है। उसके बाद जब इनका ये केस जाता है अलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें नॉट गिल्टी करार दिया, और रात को तो जो कि वहां से ऑर्डर पास होता है कि भाई डॉक्टर कपिल को अभी के अभी छोड़ दिया जाए तुरंत, तो उन्हें रात को ही क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया असल में। तो ऐसी भी घटनाएं हमें देखने, मतलब तो नियम कानून अगर बने हैं ना तो उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं UAPA के बाद, UAPA अभी भी कंटिन्यूएशन है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन है। इसके बाद आया था मीसा, मीसा है, मीसा है,
मीसा एक्ट मोस्टली इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में आया था और उन्होंने इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया था। मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखो इसके तहत इसको लागू किया गया था 1971 में, ठीक है, 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी ने इस मीसा एक्ट के तहत जितने भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे उन सबको कहाँ डलवा दिया था, जेल के अंदर। जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उन सबको इलेक्शन के 3 महीने पहले मीसा एक्ट के तहत पकड़ के अंदर डाल दिया और जब तक वो लोग बाहर आते हैं 3 महीने के बाद पता चलता है कि इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कहेगा कि सबसे अधिक मिसयूज किस एक्ट का हुआ है, तो सबसे अधिक मिसयूज हुआ मीसा एक्ट, सबसे अधिक मिसयूज मीसा एक्ट का हुआ है। इसको 1977 में टर्मिनेट कर दिया। क्या मीसा एक्ट अभी भी है? 1977 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया। मोस्टली मिसयूज्ड एक्ट कौन सा था? मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे हम समझते हैं एनएसए के बारे में, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। तो नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी जब भी कभी देश की सुरक्षा की बात आएगी और उससे रिलेटेड किसी इंसान पर शक जाएगा तो उसे एनएसए के तहत क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब किसी इंसान को एनएसए के तहत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो समझ लो इंसान का फाइल निपटाना फिक्स है, उसे मार दिया जाएगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, असल में उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसको लागू किया गया था 1980 में, 1980 में, और ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है, अभी भी कंटिन्यूएशन में है। कौन? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर बताओ कि किसी इंसान को ये पाया जाएगा कि वो लोगों को देश में तोड़ने की बात कर रहा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई ग्रुप खड़ा हो जाए और कहे कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग होना है, इंडिया दिल्ली में बैठी सरकार हमें तो देखती ही नहीं, हमारे बारे में सोचती ही नहीं, हमें ये जो चिकन नेक है उसको अलग कर देना है, तो बताओ उसको अरेस्ट किया जाएगा तो किस एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, क्योंकि वो देश की राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है, खतरा पैदा कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो एनएसए, एनएसए को लागू किया गया 1980 में और ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कहेगा कि कोरोना के टाइम पीरियड में सबसे अधिक इस्तेमाल किसका हुआ था, तो एनएसए का ही हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सबसे अधिक यूज हुआ था कोरोना के टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन कहेगा कि सबसे अधिक मिसयूज किस एक्ट का हुआ है, तो मीसा का, मीसा सबसे अधिक मिसयूज मीसा का हुआ है, सबसे अधिक मिसयूज मीसा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और सबसे अधिक इस्तेमाल किस एक्ट का हुआ है, तो एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिसे पकड़ा जाता है उसे चांसेस होता है 90% उसे क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, से आ दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ठीक है, ना, क्लियर हुआ। अब हम लोग समझते हैं टाडा के बारे में। टाडा, टाडा कहता है कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, टेररिस्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव, डिसरप्टिव, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, एक्टिविटी एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, ठीक है, ये ए फॉर एंड, टी फॉर टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटी, इसके आगे लग गया है एक्ट, ठीक है।
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट। अब इसमें समझो, इसमें किसी भी इंसान को ऐसा पाया जाता है कि उसका लिंकेज अगर मिल जाता है कि उसका लिंकेज आतंकवादियों के साथ है या उसके पास हथियार पाया जाता है, तब उसे टाडा के तहत बुक कर लिया जाएगा, टाडा के तहत उसे क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको लागू किया गया था 1985 में, ये लागू कब हुआ था 1985 में, और इसी के तहत जो संजय दत्त, ठीक है, संजय दत्त अगर इनकी एक बायोपिक बनी है, देखा होगा तो उसमें समझ में आएगा किस तरीके से मामला हुआ। संजय दत्त का जो ड्राइवर था उसको किसी ने बताया कि ये संजय दत्त को ना वो चिड़िया उड़िया मारने का बंदूक से बहुत शौक था, तो इनके ड्राइवर को पता चला कि कोई राइफल है और उन्होंने इनको बताया कि सर एक बहुत बेहतरीन राइफल जो है आई है, तो उनको लगा कि चिड़िया मारने वाला राइफल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है लेकर के आओ और वहाँ गोडाउन में रख दो, मैं आकर के देखता हूँ। और वो लेकर के आया, गोडाउन में रख दिया, और वो राइफल कोई नॉर्मल राइफल नहीं, तो उसी AK-47। इस बात की भनक लग जाती है मीडिया को, मीडिया जाकर के छाप देती है फोटो, और कौन गिरफ्त में आ जाते हैं, संजय टाडा के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज भी अगर हम देखेंगे तो इन्हें जब मतलब कि अग्निपथ वगैरह की शूटिंग हो रही थी तब भी इन्हें कोर्ट के चक्कर चला रहे थे, इनको जेल में रखा गया था और इन्हें जेल से छोड़ा गया था पेरोल पर। इस पर पेरोल पर, पेरोल, देखो एक चीज होती है कि तुम्हारा ये जो क्राइम किया तुमने वो पूरी हो गई है और तुम्हें फ्री कर दिया जाता है, और दूसरा होता है कि गवर्नमेंट या जज ये देखता है कि भाई जो इस इंसान को हमने पकड़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड देखो, क्या उसका किसी आतंकवादियों के साथ पहले कोई एक्टिविटी रहा हो या कोई ऐसी घटना किया हो उसने, तो अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है तो उसे पेरोल नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान है गलती से उससे गलती हो जाती है और किसी तरीके से फंस जाता है तब उसे पेरोल दे दिया जाता है। तो संजय दत्त को जब छोड़ा गया था तो किस पे छोड़ा गया था, पेरोल पर, पेरोल पर, ठीक है। तो अगर किसी को बताना रहेगा कि भाई टाडा का कितना खतरनाक होता है टाडा, तो संजय दत्त के पास क्या उस वक्त पैसे की कमी थी कि अगर वो किसी जज को चाहते खरीदना तो खरीद लेते हैं, नहीं। एक बार केस अगर कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने किसी इंसान के लिए आदेश दे दिया, तो चाहे वो संजय दत्त हो या सलमान खान हो, कोई भी हो, सब कानून के सामने क्या है, बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, याद है, हाँ, ठीक है। तो इन्हें किसके तहत बुक किया गया था, संजय दत्त को टाडा के तहत, टाडा, टाडा। जब इनसे पूछा गया कि भाई ये जो कि कहां से ये इतना बड़ा तुम बंदूक लेकर के आए हो, बोला हमको तो पता ही नहीं था कि वो AK-47 है, हमको लगा चिड़िया मारने वाला है। जज बोलता हाँ चिड़िया मारने वाला है, हम तुमको चिड़िया मरवाते हैं, आओ भेज दिया पकड़ के जेल में, ठीक है। तो टाडा को चालू किया गया था कब, इम्प्लीमेंट किया गया था 1985 में। ये सबसे खतरनाक कहेगा कि सबसे खतरनाक कानून कौन सा था, तो टाडा, और इसे 1995 में 10 साल बाद इसे टर्मिनेट कर दिया टाडा को, ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, किसी भी इंसान को पकड़ के उसके ऊपर टाडा डाल दिया जाता था, समझ आ रहा है। और टाडा के तहत एक बार अंदर जाते हैं ना, फिर वो बाहर आना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। तो संजय दत्त भी आते तो पेरोल पर ही आते, पता नहीं कि पूरी तरीके से उनको छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया, बट जो अभी भी रिसेंटली जब उनकी मूवी वगैरह बनी थी तो भाई उन्हें पेरोल पर ही छोड़ा गया। तो टाटा को कब खत्म कर दिया गया, 1995 में, लागू किया गया था 1985 में, इतना क्लियर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कोटा, 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 कोटा कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि अगर किसी इंसान ने वो कर दिया हो, कोई जैसे अगर हम बात करें ब्लास्ट कर दिया हो कहीं पर, ठीक है, ये जो कस्बा था, कसाब आकर के पूरा मारा, एकदम ताजमहल को उड़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब हमारे यहाँ पर सीरीज बम ब्लास्ट हुए थे, पूरे ट्रेन उड़ गई थी, है ना,
और या तो देखा जाए कि कुछ ग्रुप हैं जो एक्टिवेट हो चुके हैं, मार हथियार लहरा रहे हैं, मिसाइल लिए हुए हैं, मार पीट रहे हैं, और किसी भी इंसान का लिंकेज मिल गया इनके साथ, ठीक है, देख लिया गया, तब उन्हें इसके तहत बुक कर लिया जाएगा कोटा के तहत, ताकि आने, जैसे कि अगर जब रॉ ने कहा था कि भाई मुंबई में बहुत बड़ा हमला हो सकता है, अगर उस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट थी या आईबी थी वो थोड़ी सी एक्टिवली काम की होती, तो क्या ये जो था कसाब वो आकर के ऐसी बड़ी आतंकवादी हमलों को अंजाम दे पाता, अंजाम दे पाता, नहीं दे पाता, ठीक है। तो लेकिन लोगों, गवर्नमेंट की भी लापरवाही और हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटीज है उनकी भी लापरवाही, और इतना बड़ा कांड होता है ना। तो टेररिस्ट एक्ट, जो टेररिज्म एक्टिविटी है, उससे प्रिवेंट करने के लिए या उससे रिलेटेड किसी इंसान का लिंकेज पाया जाता है, तो उसको किस एक्ट के तहत बुक किया जाएगा, कोटा के तहत। कोटा को भी चालू किया गया था 2001 में। कोटा को चालू किया गया कब, 2001 में। लेकिन इसका भी घनघोर वो मिसयूज होने लगा, जिसके तहत इसको भी 2004 में क्या कर दिया गया, टर्मिनेट, 2004 में टर्मिनेट कर दिया गया। कोटा के तहत ही एक गुजरात में पुलिस वालों ने एक 14 साल के बच्चे को क्या कर दिया था, गोली मार दिया, ठीक है, कोटा के। तो जहां पर देखो लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी कमी को छुपाने के लिए, तो हमने इतने सारे जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट देखे, जैसे पीडीए, अस्पा, यूपीए, मीसा, नासा, टाडा, पोटा, कहेगा कि इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा था, टाडा, डेंजरस, ठीक है, डेंजरस। कहेगा कि सबसे अधिक मिसयूज किसका हुआ, मीसा, ठीक है, मिसयूज। और कहेगा सबसे अधिक यूज किसका हुआ, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। कहेगा कि अभी कंटिन्यूएशन में कौन है, तो अस्पा अभी कंटिन्यूएशन में, ठीक है, अस्पा अभी कंटिन्यूएशन में। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अभी कंटिन्यूएशन में, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी कंटिन्यूएशन में। और यूएपीए, ये तीन अभी कंटिन्यूएशन में, कौन, अस्पा, यूएपीए और एनएसए, बाकी को टर्मिनेट कर दिया गया, बाकी को टर्मिनेट कर दिया गया है। क्लियर हो गया। ये थी हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जितने अलग अलग टाइम पीरियड के बनाए हुए एक्ट और उनके जो इफेक्ट और इम्प्लिकेशंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम